हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है छठ का चौथा दिन और आज ही समापन है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी भक्तों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना ही अच्छा जो है छठ पूजा का डेकोरेशन किया हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है चारों तरफ लाइटिंग और सजाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जो है यमुना किनारा गई थी छठ पूजा के दर्शन के लिए। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारी सोसाइटी के बिल्कुल पास में जो है वो छठ पूजा हो रहा है। तो आज सुबह क्या हुआ, एकदम से जैसे ही मैं 4 बजे उठी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह के अर्घ के लिए जाना था, तो मैंने एकदम से मतलब सुना कि जो है छठ मैया के गीतों की आवाज़ ना जो मेरे कानों में पड़ी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लग रहा है कहीं आसपास ही हो रहा है। और कहते हैं ना, जहाँ पे आस्था विश्वास हो तो वहाँ पे हर चीज़ मुमकिन है। और हमें थोड़ा ये भी लग रहा था कि इतनी सुबह का समय है, हम लोग कैसे जाएंगे इतनी दूर। तो छठी मैया ने जो है वो मुझे अपने पास ही बुला लिया और हम लोग जो है गीत की आवाज़ को सुनते सुनते उसी डायरेक्शन में गए और बिल्कुल हमारे सोसाइटी की एक दो सोसाइटी छोड़ के ही छठी मैया का जो है ये पूजा यहाँ पर हो रही थी। और सच में देख के दिल इतना खुश हो गया ना, और मेरा जो है ना मतलब कहते कि आस्था विश्वास जो है मतलब और बढ़ गया कि मतलब अगर हम दिल से कोई चीज़ मांगे ना तो ज़रूर उसको भगवान जी पूरा करते हैं। और बिल्कुल पास में ही मुझे छठी मैया के दर्शन हो गए, मतलब मेरा तो दिल एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है और सभी जिन्होंने भी व्रत किया हुआ है यहाँ पे पानी में खड़े हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग व्लॉग्स के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो यहाँ पे जो है सूर्योदय होने वाला है और सभी यहाँ पे पानी में खड़े हैं अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी जो है सूर्योदय का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि मुझे बहुत पास में ही छठी मैया के दर्शन करने को मिल गए। तो चलिए, बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक, पूरा व्लॉग देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि छठी माँ का व्लॉग है तो आप लोगों को अच्छा भी बहुत लगेगा। और जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं वो कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा एक बार। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, छठ पूजा महोत्सव 2023 का ये सेल्फी बूथ भी बनाया गया है। मतलब मैंने तो यहाँ पे खूब फ़ोटो वोटो और खूब वीडियो भी बनवाई यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। Oh,
कौन सा पहले आपका नंबर सेव था? हाँ सेव ग्रुप में है ना। Thank you.